नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट में आपका स्वागत करता हूं। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग की एक और बेहतरीन वीडियो में फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, बायोफ्लॉक का जो चलन चला था, अब भी चल रहा है। जिन लोगों ने हिम्मत रखी, जिन लोगों ने ढंग से सीखा, जिन लोगों ने अच्छी तरह से अपने समय और अपने पैसे का यूटिलाइजेशन किया, एक बायोफ्लॉक फिश फार्म यहाँ पर चल रहा है दिल्ली के पास, वो किस तरह चल रहे हैं, क्या सिस्टम उन्होंने अपनाया, कैसे बहुत बड़े लॉस से बचे हैं, कहां से लगवाया, पूरा सिस्टम, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो कैसे उनके कितने सेटअप हैं और कौन सी मछलियां पालते हैं, कितना अच्छा मुनाफा कमाते हैं, सारी जानकारी इसमें आपको देने वाले हैं। अभी तो सरकार ने भी इसके ऊपर सब्सिडी लागू कर दिया है, 40% सब्सिडी अगर कोई पुरुष इस काम में करता है, और महिलाओं के नाम से अगर ये काम शुरू किया जाता है तो 60% सब्सिडी सरकार मुहैया करवाती है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी बायोफ्लॉक फिश फार्म में लेंगे एक सक्सेसफुल फिश फार्मर से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो सबसे पहले मेरे व्यूवर्स को आप अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दें। भैया, मेरा नाम अखिल शर्मा, ग्राम खेड़ा कला, दिल्ली से। मैंने अभी भैया की वीडियो देखी थी पिछली बार, तो मैंने आपकी वीडियो देखने के बाद मैंने थोड़ा जानकारी नॉलेज ली आपकी। YouTube पर कई बार मैंने आपकी वीडियो देखी थी अप्लाई की पहले बार जी है। तो मैंने उसके चलते हुए बहुत नॉलेज ली आपसे जी है। तो मैंने कई बार ये फार्म के बारे में भी नॉलेज ली कई जगह से, और मेरे रिश्तेदार जी है, मेहमान हमारे, उन्हें भी फार्म खोल रखा है भाई। तो मैंने भी थोड़ा सोचा कि क्यों ना मैं इसके बारे में कुछ काम करूं। तो मैंने मजाक में चलते टाइम ऐसे काम किया, तो ये काम बहुत ही रफ्तार से अच्छी तरह चलाया। ठीक है। तो मैंने अभी ये भी लॉकडाउन चलते हुए पिछले ईयर ही मैंने अपना 50 टैंक का सेटअप तैयार किया है। 50 टैंक का सेटअप किया। अच्छा भाई, ये बताएं कि जैसे कि लोग सेटअप लगा रहे हैं, बहुत से लोग बताते हैं फेल हो जाते जी हैं जी। दोस्तों, फेलियर का रेशियो तो रहता है किसी भी काम में। आप, मैं कहता हूं कि किसी बंदे को अगर काम शुरू करवा के दे दें सफलतम तरीके से जी जी, तो भी लोग उसको फेल कर सकते हैं। मेरा ये खुद का अनुभव रहा इस चीज़ में। जो लोग कुछ लोग फेल काम को भी सक्सेसफुल कर देते हैं, जैसे रॉयल इनफील्ड जो मोटरसाइकिल है, उसका एक साधारण सिंपल सा उदाहरण है। आप विकिपीडिया पे पढ़ के देख लीजिएगा किस तरह से वो एक फेल हो चुकी एक कंपनी, मोटरसाइकिल की जो कंपनी है वो, और कैसे वो वापस मार्केट के अंदर रीबूस्ट होके आई है। तो यही इस तरह का काम होता है। तो ये बताएंगे, आपने सेटअप लगाया है तो आपने किस तरह के, मतलब कौन सी मछली पालन का पहले से, मतलब कौन सी फिश वैरायटी आपने चुनाव किया? मैंने सबसे पहले फिश जो थी वो एक नाम कवई थी। कवई जी, कवई का आपने चुनाव किया जी जी। अच्छा, आपने मतलब कितना, एक दो फ्लोक, कितने फ्लोक निकाले हैं? मैंने सिर्फ फर्स्ट वो एक फ्लोक निकल चुका है, एक लोट निकल चुका है मेरा। अब अच्छा, दूसरी बार जी। अच्छा, ये बताएं, आप दिल्ली के बिल्कुल पास में हैं जी, तो क्या रेस्पॉन्स रहा, मतलब कैसे आपको मंडी में लेके जाते हैं या फिर लोकल लोग ले जाते हैं, कैसे? नहीं, मैं तो अपना मंडी में सेल करता हूं यहां पे। सारा मंडी में सेल करते हैं। तो जो लोग जैसे बायोफ्लॉक का कहते हैं हवा, वो फेलियर हो जाता है, मतलब कोई दिक्कत आती है, तो आपको कैसे लगा कि ये सफलतम है और कैसे आप मुनाफा कमा रहे हैं? नहीं देखो, सफलतम इसके लिए ऐसा हो सकता है कि मतलब अगर आप अपने फार्मिंग का टाइम टू टाइम नहीं रहे, दूसरे का वाले कर दिया आपने, आपने उसके बाद नॉलेज नहीं है, दूसरे के अंडर में काम कर रहे, ऐसा नहीं होता मतलब। अच्छा, इसके लिए तो अगर आप खुद इस पर ध्यान दे रहे इस बात पर, तो फैल नहीं हो पाएगा। फिर दूसरी बात, हमारे पानीपत से भैया हमारे दोस्त है राजा जी, जो उसके चलते हुए मैंने उन्हें इस बारे में नॉलेज बहुत ज़्यादा मेरे से। अच्छा, उन्हें बहुत कुछ सिखाया। वे टाइम तो आते हैं सेटअप तैयार करने में, बच्चा डालने में, सब सहायता उसने की है मेरे यहाँ पे। अच्छा, उन्होंने आपकी सहायता जी जी, मतलब क्या पूरा सेटअप उन्होंने लगवाया है? हाँ, हाँ। सीड वगैरह सब कुछ उन्होंने डलवाया, पूरी सहायता उन्होंने की है जी। तो उसके बाद ये बताऊँ कि आपको बीच में जरूरत पड़ती है, मान लो आपके फार्म में कोई बीमारी उमारी भी आई है या फिर सब नॉर्मल स्मूथली चल रहा है? सब नॉर्मल चल रहा है जी, नॉर्मल चल रहा है। और जो कुछ थोड़ी बहुत शिकायत मिलती है, भैया आप पानीपत से आते हैं, मैं कॉल करता हूँ, वे आते हैं बीच बीच में देने के लिए, वो आ जाते हैं जी जी, और फोन पे पूछ रहे हैं, फोन पे पूछते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। अच्छा, लेकिन बीच बीच में आते भी है वैसे भी। अच्छा, ये बताओ आप, जैसे कि कई बार मैंने सुना है कि मछलियां लेने खुद मार्केट से लोग आ जाते जी, हैं आते है जी। तो आते ही भी हैं या फिर लेके जाना है, कौन सा अच्छा रहता नहीं, है? आते भी है। अच्छा, सिर्फ अब सबसे अच्छे हुआ इतना कभी का जो रेट चला, रेट भी अच्छा है काफी है, ग्रोथ में भी है, इसकी टाइम ग्रोथ भी कम है। अच्छा अच्छा, 4 महीने में निकल जाता है बच्चे का, 4 से 6 महीने में निकल जाता है। अभी विंटर में क्या आपको कोई इशू बना, सर्दी का ऐसा कुछ लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे को, कुछ दिक्कत नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा नॉर्मल पानी चेंज करते रहो बस। अच्छा, 2 से 3 दिन पानी चेंज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है जी। आपने भी सब्सिडी ली है उसके ऊपर? हाँ जी, मैंने अप्लाई कर रखी है अब तक तो कोई नहीं। अच्छा जी, आपने अपने जो मत्स्य विभाग है जी जी, उनमें आपने अप्लाई कर रखा है जी जी जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें सब्सिडी का सबसे अच्छा है वैसे, सब्सिडी का? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताएं इसमें जो कॉस्ट है और जो कॉस्ट लागत वो देखते हो, मार्जिन कितना बना आपका? एक लोड जैसे आपने निकाला जी है जी जी, कितना मार्जिन बना? 70% के आसपास मार्जिन बनता है समझ लो। 70% जी जी। अखिल भाई, ये बताओ आप, जो प्रोसीजर रहा है शुरू से, लोग कहते हैं बड़ा टैंक होना चाहिए, क्या ये टैंक सफिशियंट अच्छा साइज है?
ये तो लोग अपने अपने चॉइस है देखो भैया। अच्छा ये दो चार ढाई ग्राम का है, ये भी काफी है वैसे। अच्छा लोग छह चार ग्राम का लगाते हैं वो भी अच्छा है, तो वो भी अच्छा है जी। वो तो मतलब एरिया के हिसाब से, जो बच्चे का भी डालने हो तो बड़ा लगा लो, बच्चे कम डाल लो छोटा ले लो। अच्छा छोटा ले लो। तो आपने राजा से अपना सामान खरीदा, पूरे बंदोबस्त उन्होंने करवाया है, तो क्या आपने और कहीं भी ट्राई किया था? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम मैं राजा से बात हुई थी, और भी जगह ट्राई किया था, मतलब वहाँ पर सेटअप जो था तैयार करने के लिए। अच्छा सब महंगा बोलते थे मतलब। अच्छा कि अब सामान यहाँ से ले, इनके यहाँ से सामान सब सामान मिलता है। अच्छा रेट बिल्कुल। अच्छा 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 ये बताओ, आपने कोई लड़का रखा है या खुद ही संभालते हो 50 टैंक को? नहीं, एक लड़का भी है पार्टनरशिप में, मतलब लड़का भी है मेरे पास, मैं खुद भी यहाँ पे काम करता हूं। खुद भी देखते हो जी? जी खुद का आना रहना जरूरी है। जी जी। अच्छा इसके बाद मान लो कोई विंटर में, जैसे कि मान लो आपने ये कवर कर रखा है साइड से जी, तो गर्मियों में इसको साइड से हटा दोगे या फिर कैसे? नहीं सेम ऐसा रखेगा इसको। ऐसा कैसे रहेगा? जी जी छत खुली रखती है बस। छत खुली रहेगी जी, गर्मियों में खुली रहेगी जी, या कुछ को कुछ ढकोगे? नहीं गर्मी में खुली रहेगी। खुली रहेगी। अच्छा सर्दियों में क्या फर्क पड़ा, कोई टेम्परेचर में कोई इशू बना जैसे? नहीं, आपने कुछ नहीं, मतलब थोड़ी सर्दी ज्यादा हो तो पन्नी लगाते हैं, मतलब पन्नी आती है मतलब। अच्छा वो उसको कर देते हैं, वो कवर हो जाती है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जी जी। पानी चेंज करने का बताते हैं, सर्दियों में पानी चेंज कर देना चाहिए? हाँ, पानी चेंज करते हैं। पानी चेंज करते हैं दो से तीन दिन में, पानी चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा कोई परेशानी नहीं होती जी, जी। ये भैया पानी पसरा जो भैया जिनके बारे में आपसे बात की वीडियो में भी, हाँ हाँ, तो इन्होंने सेटअप तैयार करने में हर तरह से मेरी मदद की है। अच्छा अच्छा। मतलब सेटअप तैयार करने से लेकर सरिया रिंग वगैरह सब कुछ लेने से लेकर और बच्चे डालने तक का, अच्छा सब में मेरे साथ ही रहे। अच्छा इन्होंने आपकी सहायता की जी। तो राजा भाई ये बताओ, आप बायोफ्लॉक में कितने टाइम से काम कर रहे हो, मतलब इस सिस्टम? जब से भारत में बायोफ्लॉक आया, हाँ, लगभग 2 साल हो गए। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं आपके चैनल पे। बिल्कुल। जब से कर रहा हूँ मैं बायोफ्लॉक। बिल्कुल। और आप ये इसकी डीप तक नॉलेज है कह सकते हो आप? हाँ हाँ। ज्यादा तो बड़ा भगवान की बात हो जाती, बोल तो भगवान की हो जाती है, लेकिन इसकी डीप तक नॉलेज है। अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल बढ़िया। क्या है कि हमारा तारबुन मैन्युफैक्चरिंग का काम है, और एक जो फार्मर है हम उसको एक रीजनेबल रेट पर ये तारपोलिन प्रोवाइड करा देते हैं। अगर वो खुद से चाहता है कि मैं खुद से लगाना चाहता हूँ, हाँ, तो कोई दुनिया में खुद से लगा सकता हो। ठीक है। और हम फिर भी उसकी फार्मिंग मदद करेंगे। ठीक है। बिकॉज एक हम फार्मिंग खुद कर रहे हैं तो तभी मदद कर सकते हैं, अगर हमें कुछ पता ही नहीं तो कैसे मदद कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, ये राजा भाई ने बिल्कुल सही कहा, अगर आप दिल्ली में बैठे किसी बनिए से किसी दुकानदार से वैसे सहायता करते हैं जिसको फार्मिंग के कैक तक नहीं पता है कि मछलियाँ कैसे पलती हैं, कौन सी वेराइटी डाली जाती हैं, तो आपकी सही में सहायता नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग खुद इस काम में गहराई से जानते हैं, फार्मर हैं, तो वो अच्छे से सहायता कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको अच्छे से दे सकते हैं। और कुछ राजा भाई कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? बस यही बात है भाई साहब, आप काम कैसे करें लेकिन सॉलिड होना चाहिए काम, काम सॉलिड होना चाहिए और रीजनेबल रेट पर। पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, एक टैंक सपोज करिए लगाने में उसको 10 रुपये लगते हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी के नीचे जा करके उसको 15 रुपये में लगवा लेते हो, हाँ हाँ, वो आपके 5 रुपये आपके प्रॉफिट से ही कटेंगे। ठीक है ठीक है। आप प्रॉफिट कैसे आता है, आप थोड़ा पैसा लगाए ज़्यादा ज़्यादा आए, ज़्यादा गए ज़्यादा आए। दोस्तों राजा भाई की मैंने वीडियो बनाया था, ये खुद ना कॉस्ट कटिंग पे काम करते हैं, मतलब कम से कम खर्चे में और बेहतर काम कैसे किया जाए। आप सब जगह तसल्ली करें, सब लोगों से पूछें अगर आप बायोफ्लॉक को काम करना है, उसके बाद लास्ट में इनसे कॉल करें, आपको रेट में क्वालिटी में फ़र्क लगे तो इनसे संपर्क करें। मैं कोशिश करता हूँ मेरे फार्मर भाइयों का पैसा बचे और अच्छे मैनेजमेंट में खूब सारे पैसे कमा सकें और काम को बेहतर तसल्ली से स्किल से कर सकें। अच्छा ये बताओ, जैसे बायोफ्लॉक सेटम आपने ये करवाया भाई का, हाँ जी, तो क्या मतलब कोई नया फार्म कहीं पे करवाना चाहे तो कैसे, मतलब कहीं पे भी कर सकते हो आप? हाँ, ऑल ओवर इंडिया में हम सेटअप लगा। ठीक है। अच्छा आपके कॉन्टैक्ट नंबर प्रॉपर एड्रेस जरूर शेयर करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7988245250। ठीक है। और एक और 8570090704। ठीक है। और मैं प्रॉपर पानीपत से हूँ, आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों ये राजा भाई हैं जिन्होंने अखिल जी का ये सेटअप लगाया है, और मैं अपना खुद की राय जरूर बताना चाहूँगा, शामिल करना चाहूँगा वीडियो में, कि खुद भी अगर आप जो किसी काम में डूबते हैं गहराई से उस काम में जाते हैं तो काम सक्सेसफुल होता ही है, और बाकी चलो ये काम को भी एक आलसी आदमी फेल कर सकता है। तो पूरा सेटअप आपने देखा, इसके बारे में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक और बेहतरीन वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं, मैं चाहूँगा तब तक के लिए आप खूब सोचें किसी काम के बारे में, किस तरह काम मेरे को करना चाहिए। फार्मिंग के काम में अगर आप इनोवेशन लेके आते हैं, ढंग से किसी चीज़ को सोचते हैं, तो खूब सारा बूम आ सकता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।